सीनियर प्लेयर चंदन भाई हमारे बीच, जो कि पुलिस में भर्ती हो चुके हैं, जिसके चलते काफी क्रिकेट कम हो गया है। बहुत ही बेहतरीन हिटर हुआ करते थे एक टाइम पे, ऑलराउंडर, तो आज मैच देख रहे हैं, काफी बड़ा मुकाबला। पिकनिक 11 जो बल्लेबाजी कर रही है और विमल नगर जो गेंदबाजी कर रही है, दोनों ही टीमें बराबरी की, काफी गजब का और काफी बड़ा मुकाबला। पहली बॉल पे फुल टॉस बॉल थी, सम्मान दिया आदर्शी बॉल पे रविंदर ने, बढ़िया शॉट है, खेल दिया है पीछे की तरफ, बढ़िया बॉल है, खेल दिया है, जब तक फील्ड करेंगे एक रन। और यहाँ पे बढ़िया शॉट है, क्या वहां पे रोक पाएंगे फॉगनर की, वहां पे बेहतरीन फील्ड, जब सामना, बढ़िया शॉट है, खेल दिया है खूबसूरत तरीके से, बढ़िया शॉट है रविंदर के बल्ले से निकलता हुआ, पहला छक्का पिकनिक 11 के लिए, क्या बेहतरीन शुरुआत करते हुए यहां पे रविंदर, एक ओवर 10 रन, दूसरा ओवर, बढ़िया शॉट है मनीष के बल्ले से निकलता हुआ गगनचुंबी छक्का, गजब का छक्का, जैसा मैंने कहा मनीष काफी नामी बल्लेबाज हैं, बढ़ के खेल दिया है, तीसरा छक्का, फ्लैट छक्का, गजब की बल्लेबाजी यहां पे, क्या खूब खेलते हुए मनीष, तीन बॉल पे तीन छक्के लगाते हुए मलिंगा की बॉल पे। काफी लोग आ चुके हैं मैच देखने, काफी बड़ा मुकाबला है, 50,000 रुपए है यहाँ पे जीतने वाले को। एक बार फिर चले मलिंगा, चार बॉल पे चार छक्के हो सकते थे, फुल टॉस बॉल को मिस किया, डिप करती हुई एक रन। तो जंगली, काफी आपके बॉलर सूते जा रहे शुरू में, कुछ कहेंगे? लाइन लेंथ सही रखो भाई, थोड़ा लाइन लेंथ सही रखो। एक बार फिर मलिंगा रविंदर के लिए, बढ़िया शॉट है, खोद के निकाल दिया है रविंदर ने, बोलते हैं कि जब मनीष छक्के पे छक्का लगा रहे हैं तो मैं खामोश नहीं रहूंगा, शाबाशी देते हुए मनीष लेफ्टी रविंदर को, काफी नामी बल्लेबाज रविंदर और मनीष, आतंक मचाते हुए विमल नगर के खिलाफ छक्के पे छक्के लगाते हुए, बढ़िया शॉट है, काफी लंबा छक्का लगाते हुए रविंदर, गजब की शुरुआत करते हुए यहाँ पे पिकनिक 11 के बल्लेबाज। दो ओवर 41 रन हो चुके हैं और अभी यहां पे हैरिस भाई की बैटिंग आनी अभी बाकी है, काफी बड़े बल्लेबाज हैं हैरिस, जो कि अपने डाउन का इंतजार करते हुए फर्स्ट डाउन खेलते हैं। तो शुरुआत में दो ओवर 41 रन हो चुके हैं, काफी बड़ा स्कोर यहां पे दे सकती है पिकनिक 11। पिकनिक 41 रन, तीसरा ओवर लेकर आया फॉकनर, सामना करेंगे मनीष लेफ्टी, बढ़िया बॉल खेल दिया है हल्के हाथों से एक रन के लिए, स्ट्राइक पे आ जाएंगे रविंदर, फॉकनर रविंदर के लिए, बढ़िया शॉट है और पाठक भाई की बहुत ही शानदार फील्ड, वहां पे रन आउट हो सकते थे मगर बॉल छटक के थोड़ा दूर जा चुकी थी, जिसके चलते आसानी से पहुंच जाएंगे। एक बार फिर चले फॉकनर रविंदर के लिए, बढ़िया बॉल है, काफी तेज बॉल थी, मिस किया रविंदर ने। एक बार फिर चले फॉकनर रविंदर के लिए, बढ़िया शॉट है, फुल टॉस लोअर थी, पिक किया और काफी लंबा छक्का लगाते हुए फॉगनर के ऊपर रविंदर, पीठ थपथपाते हुए मनीष लेफ्टी। एक बार फिर चले फॉगनर, बढ़िया बॉल है, सीधे सर पे लगी है, यहाँ पे हेलमेट पहने हुए थे रविंदर फिजियो, मगर फिर भी चेक करेगा कि चोट तो नहीं आई है। एक बार फिर चले फॉगनर रविंदर के लिए, बढ़िया शॉट है, काफी हाई अपर कट लगा था और काफी बड़ा मुकाबला है जैसा मैंने बताया था। तो हमारे बड़े भाई मुजीब भाई भी आ चुके हैं ग्राउंड पे मैच देखने, 3 ओवर 49 रन, कोई विकेट नहीं, पिकनिक 11 सलामी जोड़ी अभी भी स्ट्राइक पे, काफी अच्छी शुरुआत दी है यहाँ पे पिकनिक 11 ने, 3 ओवर 49 रन, चौथा ओवर लेकर आए विमल नगर से आदर्श, काफी नामी गेंदबाज है आदर्श, सामना करेंगे रविंदर। एक बार फिर चले आदर्श, बढ़िया शॉट है, खेल दिया है सामने की तरफ, फील्डर है वहां पे अक्की, एक आसान सा कैच ड्रॉप करते हुए, काफी बड़ा विकेट होता अगर कैच पकड़ते तो काफी लोग, बढ़िया बॉल डॉट हुए यहां पे। एक बार फिर चले आ, बढ़िया शॉट है, खेल दिया है वहां पे, जब तक फील्ड करेंगे एक रन, स्ट्राइक पे आ गए रविंदर आदर्श, काफी बेहतरीन गेंदबाज हैं।
बढ़िया बॉल, एक और अच्छी बॉल डॉट हुए रविंदर, और स्ट्राइक पे रविंदर बॉल करेंगे आदर्श, बहुत ही बड़े टेनिस क्रिकेट के गेंदबाज हैं आदर्श, और रविंदर बहुत ही बड़े हिटर हैं, देखते हैं। बढ़िया शॉट है मगर वहां पे फील्डर हैं फॉकनर, अच्छे फील्डर हैं, एक ही रन मिलेगा। रन अप लेते हुए एक बार फिर आदर्श मनीष के लिए, गजब की बॉल यहां पे, समझ नहीं पाए मनीष, अंदर की बॉल थी, रोक दिया एक रन के लिए। दो ओवर में 41 रन थे, चार ओवर में 53 रन थे, जिसका पूरा क्रेडिट आदर्श को जाता है, बांध दिया है यहाँ पे फॉकनर, निकल के खेला है बेहतरीन तरीके से मनीष ने। रन अप लेते हुए एक बार फिर फॉकनर, बढ़िया बॉल खेल दिया, हवा में बॉल गई है, फील्डर मोहित भाई वहां पे, अच्छा कैच, विकेट जाना होगा रविंदर को, काफी बड़ी सफलता दिलाई यहां पे फॉकनर ने अपनी टीम के लिए, पहली सफलता। और मैं बता दूं काफी नामी बल्लेबाज हैरिस आते हुए रविंदर की जगह लेने, काफी बेहतरीन बल्लेबाज हैं, काफी धाक है इनकी टेनिस क्रिकेट जगत में। आप देखते हैं पिकनिक 11 के लिए क्या करते हैं, फॉकनर चले हैरिस के लिए, बढ़िया तरीके से खेला है एक रन के लिए। स्ट्राइक पे मनीष लेफ्टी, फॉकनर चले एक बार फिर, बढ़िया शॉट है, खेल दिया है उठा के बेहतरीन तरीके से छह रन के लिए। हैरिस भाई आ गए स्ट्राइक पे, रन अप लेते हुए फॉकनर, बढ़िया छक्का, हल्का सा ऑफ स्टंप पे सफल हुए, और छह रन, गजब की शॉट, लेग का छक्का। काफी बड़े बल्लेबाज हैं हैरिस, जैसा मैंने कहा था टेनिस क्रिकेट में बड़ा नाम, और पहली बॉल पे सफल करके छक्का लगाते हुए फॉकनर की, गजब का छक्का, क्या खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे हैं हैरिस, काफी नामी बल्लेबाज, पिकनिक 11 के लिए खतरनाक पारी खेलते हुए, साथ में मनीष भाई काफी बेहतरीन शुरुआत दी इन्होंने। 5 ओवर 68 रन, 1 विकेट के नुकसान पर पिकनिक 11 विमल नगर की तरफ डॉट हुए। गजब की यहां पे बल्ले पिक किया, और क्या खूबसूरत छक्का लगाया है मनीष लेफ्टी ने, गजब की बल्लेबाजी करते हुए मनीष। एक बार फिर चले अक्की मनीष के लिए, मिस किया, अच्छी बॉल वापसी करते हुए अक्की, अक्की वापसी करते हुए मनीष तैयार, बढ़िया शॉट है, खेल दिया है खूबसूरत तरीके से, फील्डर है वहां पे मलिंगा, एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा, स्ट्राइक पे आ जाएंगे, बढ़िया शॉट, खेल दिया है पीछे की तरफ, अक्की एक बार फिर चले मनीष के लिए, डॉट हुए वहां पे मनीष, 6 ओवर 76 रन, 1 विकेट के नुकसान पर पिकनिक 11। मैंने कहा 6 ओवर 76 रन है, और 7वां ओवर लेकर आए विमल नगर की तरफ से आदर्श, और सामना करेंगे हैरिस पिकनिक 11 से, काफी बड़े हिटर हैं, सबसे बड़े हिटर हैं टेनिस क्रिकेट के हैरिस, और सबसे बड़े गेंदबाज टेनिस क्रिकेट के आदर्श, दोनों के बीच आमना सामना, देखते हैं कौन भारी पड़ता है, आदर्श हैरिस के ऊपर या हैरिस आदर्श के ऊपर। आदर्श चले हैरिस के लिए, एक और वाइड बॉल, सामने आएंगे तो शायद छक्का ही खाएंगे, क्योंकि हैरिस बहुत ही बड़े बल्लेबाज हैं। काफी गजब का सामना ये, आमना सामना हैरिस वर्सेस आदर्श, 7वां ओवर प्रगति पे, 76 रन हो चुके हैं, 8 ओवर का मुकाबला है, हैरिस तैयार, आदर्श चले, बोल्ड कर दिया है यहाँ पे आदर्श ने, और जाना होगा हैरिस को, काफी बड़ा विकेट निकालते हुए आदर्श, कहते हैं कि आप जाइए मैं अभी धार दिखाता हूँ गेंदबाजी में, इशारा देते हुए हैरिस की जगह शान आते हुए, लखनऊ में बहुत ही बड़े हिटर शान, और इनको लास्ट के ओवरों में इसलिए भेजा जाता है क्योंकि ताकत है इनके पास बॉल टू बॉल छक्का लगाने की, जो बहुत ही कम बल्लेबाजों के पास ही कला होती है। काफी बड़ा विकेट निकाला था आदर्श ने हैरिस का, शान आए हैरिस की जगह लेने, आदर्श चले एक्सपीरियंस गेंदबाज आदर्श, बढ़िया शॉट है, खेल दिया है फील्डर मलिंगा है वहां पे, अच्छे फील्डर है, अच्छी फील्ड वहां पे, एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। मनीष आ गए स्ट्राइक पे, मनीष लेफ्टी, आदर्श काफी तेज गेंदबाज हैं
और काफी बड़ा नाम है आदर्श का, मनीष उतने ही बड़े बल्लेबाज, देखते हैं गजब का आमना सामना होगा। बढ़िया बॉल है और अच्छी फील्ड वहां पे पाठक भाई की, डायरेक्ट हिट होती तो विकेट मिलता। रन अप लेते हुए एक बार फिर आदर्श, मनीष लेफ्टी के लिए, मनीष लेफ्टी तैयार, खेल दिया हवा में, काफी टफ कैच है मगर फील्डर काफी अच्छे हैं पाठक, कैच पकड़ेंगे और काफी बड़ा विकेट मनीष का। तो यहां पे आउट किया मनीष को आदर्श ने, काफी बड़े गेंदबाज हैं जैसा मैंने कहा था, और दो बड़े विकेट यहां पे निकालते हुए अपनी टीम विमल लगर के लिए आदर्श, और अब कप्तान ऋषभ उर्फ बउआ आए हैं मनीष की जगह लेने, काफी बड़े बल्लेबाज हैं ये भी, देखते हैं क्या करेंगे आज अपनी टीम के लिए। एक तरफा सा मुकाबला कर दिया था यहां पे पिकनिक 11 ने, मगर वापसी कराते हुए विमल नगर को आदर्श अपनी गेंदबाजी से, बउआ तैयार, रन अप लेते हुए आदर्श, बढ़िया शॉट है जैसा मैंने कहा, कप्तान है बउआ और आते ही छक्के से शुरुआत की, गजब का छक्का यहां पे आदर्श की बॉल पे बउआ का, और रन अप लेते हुए आदर्श, काफी बेहतरीन गेंदबाज और शान काफी अच्छे बल्लेबाज, बढ़िया शॉट है, हवा में बॉल है, क्या एक और विकेट जाएगा, जी हाँ जंगली कैच पकड़ते हुए आदर्श ने यहाँ पे तहलका मचा दिया है अपनी टीम विमल नगर के लिए, गजब की वापसी कराई है यहाँ पे आदर्श ने, ऐसे ही नहीं आदर्श ने नाम कमाया है, काफी जलवा है इनका टेनिस क्रिकेट में। 7 ओवर 78 रन 4 विकेट के नुकसान पर पिकनिक 11 विमल नगर की तरफ से इनिंग का 8वां ओवर यानी कि लास्ट ओवर लेकर आए अक्की, बढ़िया बॉल डॉट कराते हुए कप्तान ऋषभ को, रन अप लेते हुए एक बार फिर बढ़िया बॉल, एक और डॉट कराते हुए यहां पे रन अप, खेल दिया है 1 रन के लिए राका, काफी बड़े बल्लेबाज हैं मगर काफी नीचे इनको आज बल्लेबाजी दी गई है, तो ये पहले पिच को खोदते हैं, उसके बाद क्रीज बनाते हैं, फिर वहां पे पोलार्ड की तरह लकड़ी गाड़ेंगे, उसके बाद देखते हैं छक्का लगाएंगे या नहीं। बोल्ड होते होते यहां बचे हैं, बच गए, एकदम पैर पे बॉल थी, हल्का सा भी पैर इधर उधर होता तो बोल्ड होते। राका को अवार्ड मिला है सबसे स्टाइलिश बल्लेबाज का लखनऊ में, खेल दिया है, बॉल हवा में थी मगर एक ही रन मिलेगा वहां पे, स्ट्राइक पे आ जाएंगे ऋषभ, स्ट्राइक पे ऋषभ, बढ़िया शॉट है, खेल दिया है वहां पे, और यहां पे इनिंग समाप्त होती हुई, काफी नाखुश अपने आप से ऋषभ, और फिर बारीकी से मैच देखते हुए सेलेक्टर कह सकते हैं एक तरीके से, जो भी अच्छा खेलेगा बड़े बड़े टूर्नामेंट में मौका देंगे, मुजीब भाई काफी चर्चित कप्तान रहे हैं। हैरिस भाई 82 रन का टारगेट है, क्या लगता है आपको, तो कौन जीतेगा या एक तरफा होगा, क्या लगता है? हैरिस भाई हमारे काफी नामी प्लेयर हैं, काफी धाक है इनकी टेनिस क्रिकेट में, तो 82 रन का टारगेट दिया, हालांकि 2 ओवर में 41 रन थे विमल नगर के, उसके बाद अच्छी वापसी की आदर्श ने, जिसके चलते 82 रन ही बने हैं। तो हैरिस दुबे के बारे में बता दूं, काफी नामी गेंदबाज हैं लखनऊ के शॉर्ट सोबे, बढ़िया शॉट सोनू की, स्लोअर बॉल थी, पिक किया फील्डर है वहां पे, चकमा देती हुई बॉल और वहां पे अंपायर का इशारा 4 रन। गेंदबाज सोबे एक बार फिर चले सोनू के लिए, बढ़िया शॉट है सोनू के बल्ले से निकलता हुआ, सोबे की बॉल पे खूबसूरत छक्का, अगर छक्का आ चुका है सोबे की बॉल पे, बढ़िया वापसी करते हुए सोबे, जैसा नाम वैसा काम, तुरंत पढ़ा के बल्लेबाज को, हल्की सी स्लोवर डॉट कराई, एक बार फिर चले सोबे सोनू के लिए, बढ़िया बॉल है और वहां पे खेल दिया है पीछे की तरफ 1 रन के लिए, और स्ट्राइक पे रोहित, रन अप लेते हुए सोबे, बढ़िया बॉल है सोबे की, वापसी करते हुए 1 ओवर 12 रन कोई विकेट नहीं विमल नगर, क्या 82 रन चेस होंगे, विमल नगर चेस कर पाएगी, क्योंकि पिकनिक 11 की तरफ काफी खतरनाक गेंदबाजी है। सोनू बढ़िया बॉल शान की, समझ नहीं पाए सोनू, डॉट हुए, शान काफी बेहतरीन गेंदबाज, चले सोनू के लिए, बढ़िया शॉट है, खेल दिया उठा के, देखते हैं कहां तक बॉल जाएगी, गजब का छक्का, काफी लंबा छक्का सोनू के बैट से निकलता हुआ, क्या खूबसूरत बल्लेबाजी करते हैं सोनू, शान एक बढ़िया शॉट है, खेल दिया पीछे की तरफ 1 रन के लिए नाराज होते हुए, बढ़िया शॉट है, खेल दिया रोहित ने हल्के हाथों से 1 रन के लिए,
रन अप लेते हुए एक बार। स्लोअर बॉल थी, काफी खूबसूरत तरीके से पिक किया, गजब की शॉट 6 रन के लिए। बढ़िया छक्का रोहित ने, क्या खूबसूरत छक्का लगाया है। 2 ओवर 22 रन थी। खेल दिया है, काफी हाई गई है, काफी टफ कैच है, सोबे वहां पे काफी दूर, जब तक फील्ड करेंगे 1 रन। बढ़िया शॉट है, खेल दिया है, बेहतरीन छक्का, क्या खूबसूरत छक्का लगाया है रोहित ने, और काफी दूर से अंपायर बुलाए गए हैं, स्पेशली इनको अंपायरिंग का जिम। बढ़िया शॉट है, हवा में बॉल है, देखते हैं, गजब का छक्का रोहित के बल्ले से निकलता हुआ, बैक टू बैक सोबे की बॉल पे 2 छक्के लगाते हुए रोहित। यह शॉट है सामने की तरफ, फील्डर वहां पे रविंदर, अच्छी फील्डर, 1 रन मिलेगा। रन अप लेते हुए एक बार फिर सोबे, यह बॉल डॉट कराया सोनू को सोबे ने। राजा स्कोर बताओ, क्या स्कोर है? 3 ओवर 37 रन, विमल नगर। 5 ओवर में 45 रन चाहिए जीतने के लिए। पहली बॉल पे अच्छी शॉट, फील्डर है वहां पे मुजीब भाई, हल्का सा लड़खड़ाते हुए। 29 बॉल पे 44 रन चाहिए, सोनू स्ट्राइक पे आ गए, गाजी बॉल करेंगे। बढ़िया छक्का है, हलवा बॉल थी और छक्के में तब्दील किया सोनू ने, क्या गजब की बल्लेबाजी करते हैं यहाँ पे सोनू, सलामी जोड़ी यहाँ पे कहर ढाटती हुई। वापसी करते हुए गाजी डॉट कराते हुए सोनू को, काफी बेहतरीन गेंदबाजी। रन अप लेते हुए एक बार फिर गाजी, बढ़िया शॉट है, क्या खूबसूरत छक्का लगाते हुए सोनू। 27 बॉल पे यहाँ पे 26 बॉल पे चाहिए मात्र जीतने के लिए 32 रन। विमल नगर को काफी भारी पड़ती हुई पिकनिक 11 पे, विमल 11, अंपायर राजा डिसीजन देते हुए 6 रन का। एक बार यहाँ पे सिंगल से ही संतुष्ट होना पड़ेगा, 25 बॉल पे मात्र 31 रन की जरूरत जीतने के लिए विमल नगर को, 25 बॉल पे 31 रन गाजी चले रोहित के लिए। बढ़िया शॉट है, काफी क्लासी और खूबसूरत छक्का रोहित का, इसी छक्के के साथ 24 बॉल पे 25 रन चाहिए जीतने के लिए विमल नगर को। तो जंगली आपकी टीम, जंगली आप, और बाउंड्री के बाहर पहुंचाया है सोनू ने, गजब का छक्का, राजा अंपायर काफी खुश होते हुए, क्योंकि उनकी टीम काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, सोनू क्या क्लासिकल बल्लेबाजी करते हैं। हैरिस भाई काफी नाराज होते हुए अपने गेंदबाजों से, खराब प्रदर्शन किया है, क्योंकि जिस हिसाब से नाम था गेंदबाज थे, तो काफी खराब गेंदबाजी हुई, तो थोड़ा सा नाराज होते हुए। फील्डर है, 1 ही रन मिलेगा, 18 रन चाहिए 22 बॉल पे। कवर ड्राइव कर दिया 6 रन के लिए, क्या बेहतरीन शॉट, छक्का लगाते हुए कवर्स के ऊपर से रोहित, सलामी का, कोई फील्डर नहीं, हिल नहीं पाएंगे, मात्र यहां पे 9 रन की जरूरत। और यहां पे पंडित ने गेंदबाजी छोड़ दी है, राका आए हैं जो वाइस कप्तान है पिकनिक 11 के, मात्र 9 रन चाहिए जीतने के लिए। और बढ़िया छक्का, इसी छक्के के साथ मैच फिनिश करते हुए रोहित, गजब की शॉट यहां पे, मैच जीतती हुई यहां पे विमल नगर की टीम, सलामी जोड़ी रोहित की यहां पे, सोनू और रोहित की, क्या गजब खेले। राजा कुछ कहना चाहेंगे इस जीत से? वेरी हैप्पी, काफी खुश है राजा इस जीत से, और यहां पे विमल नगर की टीम जीतती हुई, काफी खूब